तीन राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब इंडिया गठबंधन आगामी चुनाव की रणनीतियां बनाने की तैयारी में है। अब इंडिया गठबंधन का फोकस 2024 का लोकसभा चुनाव है। इसे लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर यानी कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में अब झारखंड सहित कई राज्यों के सीएम शामिल होने से इनकार कर चुके हैं, जिसे लेकर अब कल होने वाली इस बैठक को टाल दिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आज कहा कि इस बैठक में वे शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कोडरमा जाने से पूर्व गिरिडीह के परिसदन भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह इस वक्त काफी व्यस्त चल रहे हैं, इसी कारण इंडिया गठबंधन की बैठक में वह खुद शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी इस बारे में बात हुई है। उन्होंने कहा कि अभी काफी व्यस्तता है, ऐसे में वे तो बैठक में शामिल होने दिल्ली नहीं जा सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे देखते हैं कि उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि जा सके। इस मामले में उन्होंने कहा कि कोई विवाद नहीं है, वे सिर्फ व्यस्तता के कारण दिल्ली नहीं जा पाएंगे। न सिर्फ हेमंत सोरेन बल्कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा कि मुझे इंडिया गठबंधन की बैठक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, किसी ने मुझे इस बैठक के बारे में नहीं बताया और ना ही इस संबंध में मुझे कॉल कर सूचित किया गया। वहीं अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, हालांकि उनकी जगह सपा से राम गोपाल यादव शामिल होने वाले थे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बैठक में नीतीश कुमार भी शामिल नहीं होंगे, हालांकि उनकी जगह जदयू की ओर से ललन सिंह और संजय झा बैठक में शामिल होते। तीन राज्यों में हार के बाद विपक्षी पार्टियां न सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं, बल्कि इन राज्यों में विपक्षी दलों से गठबंधन न करने का खामियाजा भी बता रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल रहते हुए भी सपा ने मध्य प्रदेश में अलग चुनाव लड़ा था। पार्टी ने करीब 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कमलनाथ ने सपा से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। अब इंडिया गठबंधन की बैठक कब होगी, इसकी आधिकारिक सूचना अब तक जारी नहीं की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज।